लखपत के तीसरे युद्ध में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं का सामना अकेले नहीं किया। अब्दाली के पास सेना नहीं थी, उसने इस्लाम का वास्ता देकर अवध के नवाब से और रोहिलों से सेना मांगी। उसकी संयुक्त सेना ने मराठाओं का सामना किया। इसमें ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि मराठाओं ने गलती करके अपनी सेना के साथ लाखों तीर्थ यात्री भेजे थे जो सेना का राशन खा रहे थे और जिसके कारण सेना धीमे गति से चल रही थी। ऐसे में अब्दाली अपनी अवध की और रोहिलों की संयुक्त सेना के लिए पानीपत पर पहुंचा। इस सेना में कुछ 77,000 लोग थे। सामने थे सदाशिवराव भाऊ जिनकी सेना में 50,000 लोग थे और 2,00,000 तीर्थयात्री। लड़ाई बहुत भयंकर हुई क्योंकि जो बचे हुए मराठा थे वो आखिर तक लड़ते रहे। युद्ध खत्म होने पर कब्जा करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सेना। संयुक्त सेना में अब्दाली के ज्यादा लोग नहीं थे। इस्लाम का हवाला देकर उसने जो सेना बनाई थी युद्ध के बाद एक दूसरे से ही वो सेना लड़ने लगी। उसके खुद के अफगान सैनिक पैसे मांगने लगे और ये खबर भी पहुंची कि नाना साहेब पेशवा 1,00,000 सैनिकों की सेना लेके पानीपत की ओर रवाना हो चुके हैं और नर्मदा नदी पार कर रहे हैं। इस सबसे अब्दाली डर गया और अफगानिस्तान भाग गया। जाहिर सी बात है ऐसी जीत का उसे कोई फायदा होने वाला नहीं था। उसकी इस्लामी सेना के टुकड़े हो चुके थे, आपस में लड़ रही थी। रोहिले और अवध इनका पहले से 36 का आंकड़ा था। अवध के इस नवाब के पिता को रोहिलों को हराने में मराठाओं ने ही सहायता की थी। इसका अर्थ ये हुआ कि रोहिला और अवध का नवाब ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। फिर अब्दाली इनकी सेनाओं को सिर्फ इस्लाम का वास्ता देकर कब तक एकजुट रख पाता। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अफगान सेना ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर सके, इसलिए उन्होंने कब्जा नहीं किया और तीर्थ यात्रियों की स्त्रियों को गुलाम बनाकर अफगानिस्तान भाग गए।